हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में, और मैं हूँ प्रदीप गौड़। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है कि 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, अवेरी मैक्लियॉर्ड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड वन फाइनल था हर्शी एंड चैज एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की, एंड सेकेंड वीडियो थी अवेरी मैक्लियॉर्ड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले की जो वीडियो है उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, जानते हैं कि हर्शी एंड चैज ने कैसे प्रूफ किया कि जो डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले द एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज एंड एस्क्रीचिया कोलाई। जी हाँ, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था और एस्क्रीचिया कोलाई लिया था। एस्क्रीचिया कोलाई एक्चुअल में है क्या, ये एक बैक्टीरिया होता है बच्चों। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, एंड बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया है। मीन्स वॉट, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है यानी बैक्टीरिया को खाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो सवाल ये है सर कि बैक्टीरियोफेज है क्या, वायरस है या फिर बैक्टीरिया है। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड दे यूज रेडियो आइसोटोप, इन्होंने 2 रेडियो आइसोटोप को का यूज़ किया था, P32 एंड YES-35। जी हाँ, P32 एंड YES-35 2 रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया था। अब रेडियो आइसोटोप का यूज़ क्यों किया था, क्योंकि ये जो रेडियो आइसोटोप होते हैं बच्चों, अगर हम इन्हें यूवी रेडिएशन में देखें तो ये साइनिंग करते हैं, चमकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, अगर हम उसे यूवी रेडिएशन से ऑब्जर्व करें या फिर इलेक्ट्रोग्राफी करें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट कहाँ पर है बॉडी में। ठीक है, तो ज़रा समझिए, हमें जानना पड़ेगा कि बैक्टीरियोफेज होता कैसे है। तो बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए, ये जो आउटर कोट दिख रही है आपको, थोड़ा हेक्सागोनल दिख रहा है आपको, ये हेड है। ठीक है, इसे हेड कहते हैं, ये ब्लैक कलर का। और ये जो हेड होता है ये प्रोटीन का बना होता है और इसे कहते हैं कैप्सिड। तो देखिए, कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का बना है, प्रोटीन कोट है, और इसमें एक्चुअल में क्या होता है, सल्फर होता है, हैविंग एस। जी हाँ, जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है और इसमें सल्फर होता है, इसमें फॉस्फेट नहीं होता, याद रखेंगे। और इस हेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, इसमें सल्फर नहीं होता, याद रखेंगे। डीएनए में सिर्फ फॉस्फोरस होगा, सल्फर नहीं होगा। और जो प्रोटीन होती है, जो कैप्सिड होता है, उसमें सल्फर होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, बस यही आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि हर्शी एंड चैज ने कैसे प्रूफ किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि जेनेटिक मटेरियल कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पर कोई एक फादर है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर कोई फादर है, तो फादर से कुछ कैरेक्टर होते हैं जो उसके ऑफस्प्रिंग तक यानी चाइल्ड तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल जो होता है, जो फादर से कुछ कैरेक्टर को चाइल्ड तक लेकर जाएगा, उसी को क्या कंसिडर किया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बोला जाएगा उसे। ठीक है बच्चों, अब जरा समझिएगा, तो ये जनरेशन, अगर फादर को हम जनरेशन 1 कंसिडर करें और चाइल्ड को जनरेशन 2 कंसिडर करें, तो हम ये इनहेरिटेंस की थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 2 या फिर 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के लिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए। ये तो अभी हमें पता है ना, लेकिन कैसे हर्शी एंड चैज ने ये प्रूव किया कि जो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक कैरेक्टर को लाता है वो कौन है, डीएनए है, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। कैसे प्रूफ किया, समझिए। अब यहां पर जो हमने पूरा का पूरा हमने यहां पर डायग्राम बना रखा है, यहां पर कैसे प्रूफ होगा, सपोज करिए ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये क्या है, जनरेशन 1 फादर की तरह है, और यहां पर सपोज करिए हमारा एक एस्क्रीचिया कोलाई बैक्टीरिया होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां
इस बैक्टीरियोफेज से जो भी मटेरियल यहां पर एस्क्रीचिया कोलाई में ट्रांसफर हो जाएगा ना, वही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो हमें उसी को देखना है कि इस बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया में कौन सा मटेरियल ट्रांसफर होता है। चलिए आइए जरा देखते हैं बच्चों। अब जरा समझिए, दो एक्सपेरिमेंट किए गए बच्चों। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें जो हमारा बैक्टीरियोफेज है इसे एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, एक ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो आइसोटोप क्या था, Yes-35 देख रहे हैं आप, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम था। जब इसमें इस बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया तो सल्फर किस में होता है बच्चों, बताइए सल्फर किस में होता है, कैप्सिड में यानी प्रोटीन में। तो जब सल्फर क्या हुआ इस मीडियम का, इसके प्रोटीन में ऐड हो गया तो देखिए प्रोटीन चमकने लगा। देखिए रेड कलर से मैंने दिखाया, प्रोटीन कैसा होने लगा, चमकने लगा। और यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन है उसमें कौन सा आ गया, Yes-35। और जब इसका अटैक कराया हमने एस्क्रीचिया कोलाई बैक्टीरिया पर तो यहाँ से DNA इधर आ गया, लेकिन जो चमकदार Yes-35 है मीन्स व्हाट, प्रोटीन कोट, वो इस बैक्टीरिया के एस्क्रीचिया कोलाई बैक्टीरिया के आउटसाइड ही रह गई। तो हमें पता चल गया कि जो रेडियो आइसोटोप है, जो प्रोटीन है, वो कभी भी बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में इंटर नहीं करता। मीन्स व्हाट, यहाँ पर देखिए सल्फर आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जी हाँ, सल्फर जो था Yes-35 जो था वो आउटसाइड रह गया, वो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में इंटर नहीं किया। तो जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर देखिए, फिर से एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज लिया गया और उसे एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया जिसमें क्या था, P32। जी हाँ, रेडियो आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव हो गया ये P32। और जब इसे ग्रो किया गया तो P किसमें प्रेजेंट होता है, DNA में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या चमकने लगा, DNA चमकने लगा। तो जब इस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज का अटैक कराया गया एस्क्रीचिया कोलाई बैक्टीरिया पर तो देखिए यहाँ से DNA कहाँ चला आया, इस बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया में DNA आ गया तो हमने इस बैक्टीरिया को जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि P32 यहाँ पर मिल रहा है। कौन सा P32, रेडियो आइसोटोप। जब रेडियो आइसोटोप P32 यहाँ पर मिल रहा है तो P32 किस में था, DNA में था। मीन्स वॉट, DNA जो है इस बैक्टीरियोफेज से जनरेशन 1 से इस एस्क्रीचिया कोलाई जनरेशन 2 तक ट्रांसफर हुआ। मीन्स वॉट, एक ऐसा फैक्टर जो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक ट्रांसफर होता है उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन ट्रांसफर हो रहा है, DNA। तो हमें पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल दैट इंडिकेट ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर क्या हुआ, DNA ट्रांसफर हुआ P32। तो हमें पता चल गया ये जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक क्या रहा है, DNA आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन क्या निकला देखिए जरा। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट DNA आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, सो DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। जी हाँ, हमें पता चल गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या ट्रांसफर होता है, DNA। तो DNA ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।